फ्रेंड्स, क्या आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो गए हैं और साथ ही साथ बाल जो है वो जड़ से कमजोर हो गए हैं और झड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा टूट रहे हैं, या आपकी स्कैल्प जो है वो बहुत ज्यादा ऑयली है जिससे आपको लगातार डैंड्रफ की प्रॉब्लम बनी रहती है और इस डैंड्रफ के कारण भी जो बाल होते हैं वो जड़ से कमजोर हो रहे हैं, झड़ रहे हैं, इन दोनों में से कोई सी भी प्रॉब्लम है अगर आपको, तो फ्रेंड्स ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। फ्रेंड्स, अगर आपके एक दिन में 50 से 80 बाल टूटते हैं तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है और इसमें आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, पर अगर इससे ज्यादा बाल आपके डेली टूट रहे हैं तो परेशानी वाली बात है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल #Ritu12। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, फ्रेंड्स, आपको हमारे चैनल पर हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्थ केयर से रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड की जाती है जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है, यूजफुल हो सकती है। सो प्लीज आप लोग वीडियो को वॉच करें और वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और वीडियो पसंद नहीं आते हैं तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और जो आपको बेल आइकन दिख रहा है उसको जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर आने वाली जितनी भी वीडियोज हैं उन सबका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में एक ऐसा हेयर मास्क शेयर करने वाली हूँ जिसे आपको वीक में केवल 2 बार ही अपने स्कैल्प पर अप्लाई करना है और फिर उसके बाद हल्के हाथों से बहुत अच्छी तरीके से अपने स्कैल्प की मसाज करनी है और इससे आपकी जो हेयर प्रॉब्लम है वो काफी हद तक कम हो जाएगी और आप अगर आप लगातार इस हेयर मास्क का इस्तेमाल करते रहते हैं आपकी जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, बाल टूटने की, झड़ने की और जो स्कैल्प बहुत ज्यादा ऑयली आपकी स्कैल्प है तो ये सारी जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं अपना मैजिकल सा हेयर मास्क जो कि आपके हेयर की ग्रोथ को 3 गुना बढ़ा देगा और आपकी जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है उसको भी जल्दी से ठीक कर देगा। और हेयर मास्क को बनाने के लिए आपको एक टाइट और मीडियम साइज का अनियन लेना है, मतलब प्याज लेना है, और जिसका छिलका जो है वो डार्क पिंक कलर का होना चाहिए या डार्क ब्राउन कलर का होना चाहिए और इसको आप प्रेस करें ऐसे उंगलियों से तो ये आपको टाइट टाइट सा फील होना चाहिए, ऐसा प्याज आपको चूज करना है क्योंकि जो इस अनियन से जूस निकलेगा वो आपको थोड़ा सा कम इरिटेट करेगा। अगर आप क्या है कच्चा प्याज लेते हैं तो उससे जो जूस निकलेगा उससे जो स्मेल आएगी वो बहुत ज़्यादा आपको इरिटेट करेगी, तो इसलिए आपको टाइट टाइट सा डार्क पिंक कलर का या डार्क ब्राउन कलर का जो अनियन है वो चूज करना है। अब इस प्याज के छिलकों को क्या करना है, हमें नाइफ की हेल्प से उतार लेना है और इसको अच्छी तरीके से कद्दूकस कर लेना है। अगर आप कद्दूकस करना नहीं चाहते हैं तो आप इसकी थोड़ी बड़ी बड़ी सी स्लाइसेस करके मिक्सर जार में डालकर इसका एक फाइन सा पेस्ट बना सकते हैं और फिर आप इसको बाउल और एक छन्नी की हेल्प से प्रेस करके अच्छी तरीके से अनियन का जूस निकाल सकते हैं। आप इस हेयर मास्क को अपनी स्कैल्प के अलावा अपनी हेयर लेंथ पर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप क्या करें कि इस अनियन जूस में थोड़ा सा वाटर ऐड कर दें जो कि ये आपकी हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, आप इसमें इतना वाटर को ऐड कर दें। बट मुझे ओनली अपनी स्कैल्प पर इसको अप्लाई करना था क्योंकि जो मेरी स्कैल्प है वो बहुत ज्यादा ऑयली है, इस वजह से भी मेरे बाल क्या होते हैं कि थोड़ा बहुत टूटते हैं तो इसलिए मैं इसको अपने केवल स्कैल्प पर ही अप्लाई करने वाली हूँ क्योंकि मुझे अपनी हेयर रूट को स्ट्रांग बनाना है, हेयर फॉल को रोकना है। फ्रेंड्स, जो हमारा प्याज का रस होता है इसमें एंटी बैक्टीरियल एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज जो होती है वो भरपूर मात्रा में पाई जाती है और इसके अलावा भरपूर मात्रा में प्याज में सल्फर भी मौजूद होता है जो कि बहुत बहुत इफेक्टिव है आपकी हेयर ग्रोथ के लिए, हेयर फॉल को रोकने के लिए। और ये जो अनियन का जूस होता है ये हमारी हेयर फॉल को बहुत जल्दी ही रोक देता है और जो हेयर ग्रोथ को 4 गुना बढ़ा देता है। फिर हम इसमें 2 स्पून करके आंवला का पाउडर ऐड करेंगे जिसको आप अपने घर पर भी बना सकते हैं और ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो आंवला होता है इसमें विटामिन सी और विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है और आंवला का जो रस होता है और या आंवला से बना जो पाउडर होता है ये हमारे बालों के विकास को और बालों के का जो कलर होता है
है उसको बढ़ाने के पारंपरिक नुस्खों में से एक है। यह हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है, जो आंवला होता है ये हमारी हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है और हमारी जो हेयर लेंथ होती है उसको भी बढ़ाता है और हमारे बालों को रूट से स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। फिर हम इसमें 2 स्पून भर के एलोवेरा का पाउडर ऐड करेंगे, जिसे आप अपने घर पर भी बना सकते हैं या आप इसको ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एलोवेरा का पाउडर जो है वो घर पर ही बनाएं, क्योंकि अगर आप चीजें घर पर बनाते हैं तो वो सारी प्योर होती हैं, आपकी आंखों के सामने बनी होती है, तो आप उस पर ज्यादा बिलीव कर सकते हैं और आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल भी होंगी और फायदेमंद भी होंगी। फ्रेंड्स घर पर एलोवेरा का पाउडर कैसे बनाते हैं कि जो रेसिपी है वो मैं पहले अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स पर दे दूंगी, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं कि एलोवेरा का पाउडर घर पर कैसे बनाते हैं। वो भी बहुत सिंपल है, बहुत इजी तरीके से आप बिल्कुल प्योर और बहुत बेनिफिशियल और बहुत अच्छा एलोवेरा का पाउडर अपने घर पर बना सकते हैं। फ्रेंड्स एलोवेरा में विटामिन ABCE पाया जाता है और इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज जो होती है भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं। और एलोवेरा जो होता है वो हमारे स्कैल्प पर होने वाली खुजली, जलन, डैंड्रफ को भी कम करता है और साथ ही साथ ये हमारे बालों को हेल्दी, शाइनी और सिल्की बनाता है। फिर इसके बाद में हम इसमें 2 से 3 ड्रॉप रोजमेरी इसेंशियल ऑयल की ऐड करेंगे। अगर आपके पास में ये इसेंशियल ऑयल नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसेंशियल ऑयल जो होता है वो भी हमारे हेयर फॉल को रोकता है और हमारी हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है। अब सारी चीजों को बढ़िया तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करते जाएंगे, एक भी इसमें लम्स नहीं बनने चाहिए, अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे और एक बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। और ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा बालों के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव सा जो हेयर मास्क है वो बिल्कुल रेडी है। आइए अब हम इसको अपने बालों पर अप्लाई करते हैं। इसको अप्लाई करने के 1.5 से 1 घंटे तक इस हेयर मास्क को आपको अपनी स्कैल्प पर रखना है। इस हेयर मास्क को अप्लाई करने से पहले आपको एक कॉम्ब लेना है, कॉम्ब की हेल्प से अपने बालों को अच्छी तरीके से सुलझा लेना है ताकि कोई भी डिटेंगल आपके बालों में ना आए। इसके बाद आपको अपने बालों का पार्टीशन करना है और थोड़ा थोड़ा सा ये हेयर मास्क अपने ले लेकर पूरे स्कैल्प पर अच्छी तरीके से अप्लाई कर लेना है। फिर इसके बाद आपको अपनी फिंगर टिप की हेल्प से 2 से 3 मिनट तक अपने स्कैल्प पर बहुत अच्छी तरीके से मसाजिंग करनी है। और मसाजिंग करने के आपको मसाजिंग जो है वो बहुत तेजी से नहीं करनी है, बिल्कुल हल्के हाथ से स्लो मोशन पर बहुत अच्छी तरीके से आपको मसाजिंग करनी है। मसाजिंग करने के बाद आप इसको 1.5 से 1 घंटे तक अपने हेयर पर, अपनी स्कैल्प पर ऐसे ही छोड़। जब आपका 1.5 से 1 घंटा हो जाए तब आप इसको नॉर्मल वाटर से, शैम्पू की हेल्प से आप अपने बालों को क्लीन कर लीजिए। और ये लीजिए फ्रेंड्स, मैंने भी अपने बालों को धुल लिया है और नेचुरल हेयर में अच्छी तरीके से मैंने ड्राई कर लिया है और आप देख सकते हैं कि जो मेरे हेयर है वो पहले से ज्यादा बेहतर और मैनेजेबल लग रहे हैं। आपको कैसे लग रहे हैं आप जरूर ये कमेंट करके बताइए। सो फ्रेंड्स, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, आपको आज का जो हमारा अनियन हेयर मास्क है वो कैसा लगा? अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, बेनिफिशियल लगी हो, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और आपको जो बेल आइकन दिख रहा है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर आने वाली जितनी भी वीडियोज है उन सबका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और साथ ही साथ अपने सजेशंस को, एक्सपीरियंस को भी हमारे कमेंट बॉक्स पर शेयर कर दीजिए ताकि मैं मोटिवेट हो पाऊं और आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे बेनिफिशियल से वीडियोस बनाती रहूं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, लव यू गाइस।